हरे कृष्णा फ्रेंड, ये आज का सुंदर दर्शन जो आप लोग के साथ शेयर की हूँ और सोचा आप लोग के साथ एक रेसिपी शेयर करने के लिए। तो ये आज मैं बना रही गुलाब जामुन कस्टर्ड, बहुत इजी रेसिपी है। तो मैंने ये दूध गर्म कर लिया है और ये कुछ ड्राई फ्रूट हैं जो मैंने नट्स हैं जो काट लिया, जो भी आप अपने चॉइस के ड्राई फ्रूट आप मिक्स कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इलायची था, हरी इलायची जो मैं कूट के रेडी कर ली हूँ, और मैंने ओरिजिनल ये कस्टर्ड पाउडर है तो मैं ये यूज़ करूँगी। इसमें कोई फ्लेवर नहीं है, ओरिजिनल फ्लेवर मिलेगा। तो क्या करते हैं, थोड़ा सा बाउल में दूध लेके इसमें मैंने कस्टर्ड पाउडर 2-3 चम्मच डाल के घोल लिया अच्छे से। और ये हमारा ड्राई फ्रूट जो कि है पिस्ता और काजू है, मैंने काट लिया। तो अब इसको हम दूध में डालते हैं और दूध हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका है। आप देख सकते हैं दूध को अच्छे से बॉयल कर लेंगे। अच्छे से इसको कुक करना बहुत ज़रूरी, अच्छे से दूध को कई बार बॉयल होना ज़रूरी है। और फिर ये हम अपना घोल दूध को स्विच ऑफ करेंगे, फिर हम घोल को डालेंगे इसमें। तो अभी घोल ये बनाने के लिए दूध को ठंडा होना ज़रूरी है, ठीक है। ठंडे दूध में आप कस्टर्ड पाउडर मिक्स करिएगा तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इवन गुनगुना भी ले सकते हैं, बट ज़्यादा हॉट मिल्क आपको यहाँ पे नहीं यूज़ करना है जब आप कस्टर्ड पाउडर थोड़े से मिल्क में आप यूज़ करते हैं। तो बाकी हमारा ये हो चुका है, तो इसको अब हम स्विच ऑफ करके ये कस्टर्ड पाउडर डाल के थोड़ा सा फिर 2 मिनट के लिए, और इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको रखते हैं। अब ये जो हमारे पास है गुलाब जामुन, तो इस गुलाब जामुन को हम हाफ़ हाफ टुकड़े में काट लिए हैं। अब इस गुलाब जामुन को हम डायरेक्टली कस्टर्ड में अपने डालेंगे। कस्टर्ड हमारा मीडियम बिल्कुल है, बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं है, नॉर्मल ही है। इसका जो टेम्परेचर है कस्टर्ड का, ये रेडी हो चुका है और ये नॉर्मल टेम्परेचर पे है, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा, बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म होएगा तो हमारा क्या बोलते हैं, ये ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो फिर इसको फ्रिज में रख के कृष्णा को